हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 8:15 बज चुके हैं और मैं आई थी यहाँ पर बिस्तर इकट्ठा करने के लिए, और आज मुझे जाना है डॉक्टर के यहाँ पे। 5 दिन की मेरी दवाइयाँ थी, टाइम ज़्यादा हो चुका है, और फिर से दवाइयाँ खाने के बाद में मेरे पैर में वही प्रॉब्लम है 2-3 दिन से। पहले मैं सोच रही थी शाकंभरी धाम गए थे भाई, पैदल चले, वहाँ पे पत्थरों पे और रेत थी बहुत गर्म गर्म, कभी उसकी वजह से दिक्कत हो रही हो, लेकिन ऐसा नहीं है। 2 दिन तक रेस्ट भी हो चुका है इस बीच में, तो दवाइयाँ बिल्कुल मेरी ख़त्म हो चुकी है। मैं और गुड्डू के पापा बस अब तैयार होंगे और फिर चलेंगे, और नाम जो है संजय जी ने लिखवा दिया होगा डॉक्टर के यहाँ पे। चाहे नाम पहले लिखवा लो चाहे बाद में लिखवा लो, नंबर उसी टाइम पर आना है, और पूरा दिन हमारा एक काम के चक्कर में लग जाना है। चलो भाई, देखते हैं आज हम लोगों को क्या क्या करना है। गर्मी अच्छी खासी है और हम जाएंगे बाइक से अपनी धन्नों से, तो अभी वे लेने के लिए गए। मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ, मैंने पूजा पाठ सब कुछ कर लिया है, तो चलो जी चलते हैं। आज मुजफ्फरनगर की मार्केट से कुछ खरीदारी भी करेंगे अपने लिए। ये दवाई ली है मैंने आरुषि के लिए, क्योंकि उसका जो है पेट साफ नहीं हो रहा, अभी भी उसके पेट में दिक्कत चल रही है। ये बहुत अच्छी दवाई है, चलो भाई उसे देते हैं। कल भी मैं बोल रही थी उसे ले लेना, लेकिन उसके याद नहीं रही, अब मुझे देनी पड़ेगी। और ये है हमारी सोज रैक, तो कुछ जूते चप्पल मैंने अभी लगाए थे, तो अब मुझे फिर से अपने जूते ढूंढने पड़ेंगे कहाँ रखे हुए कहाँ नहीं। चप्पल मैं इसलिए नहीं पहन के जा रही, गर्मी ज़्यादा हो रही, फिर उंगलियाँ जो हैं वो जल जाएँ इसमें के। फिर पड़ले वाले में तो सर्दी हो गए हैं सारे, मोटे मोटे वाले मिल गए मेरे जूते। ये सूज मुझे इतने कंफर्टेबल लगे हैं, बहुत ज़्यादा बारीक से कपड़े गए हैं ये, गर्मी में भी हमें ना किसी भी तरह पहन सके, इनमें गर्मी नहीं लगती बिल्कुल भी, हवा लगती रहे हैं। दरवाजा करते बंद, दवाई तो वहीं छोड़ दी मैंने आरुषि के। गर्मी ज़्यादा है तो फुल स्लीव्स के कपड़े ही पहनने पड़ेंगे, और बाइक पर तो वैसे ही धूप लगे। आज मैं पहनूंगी अपना ये वाला सूट, काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा ये, क्योंकि इसका कपड़ा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और ये वाला दुपट्टा। चलो भाई रेडी हो जाते हैं फटाफट से। घर से तैयार होकर हम लोग निकल लिए थे, मैंने वहाँ पर कोई भी व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि बिना मतलब की बातों पे इशू उठाना और हर चीज़ का मतलब सुबह सुबह मूड ख़राब हो गया था, तो मैंने सोचा आज मैं नहीं बनाऊँगी व्लॉग बिल्कुल भी। फिर ये बोले कि ये तेरा काम है तो अपना काम जो है जारी रख, भले ही माहौल घर का कैसा रहे कोई नहीं, वह तो चलता ही रहता है, हर फैमिली के साथ में जॉइंट हो या सेपरेट हो कुछ ना कुछ इशू आते ही रहते हैं। तो मुजफ्फरनगर में हम लोग पहुंच गए हैं, शिव चौक के पास को हमें जाना है, और सुबह सुबह इतनी गर्मी थी बहुत ज़्यादा, और मैं सोच रही आते टाइम हम लोगों का क्या हाल होगा। यहाँ पर ना मिट्टी के बर्तन बहुत अच्छे मिलते हैं, हमारे बुढ़ाना में नहीं मिलते इतने अच्छे, मेरा मन ललचा जाता है, लेकिन वही है कि मैं कैसे लेकर जाऊँगी, मेरे पास सामान ही इतना ज़्यादा हो जाता है जब भी मैं यहाँ से जाती हूँ, और गाड़ी लाने की यहाँ पर जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए रास्ते बंद कर दिए जाते हैं दोनों साइड से। और ये है शिव चौक, तो जय भोलेनाथ जय भोले बाबा, सबकी मनोकामना पूरी करें। तो अभी पहुँचे हैं मुजफ्फरनगर, डॉक्टर के पास जाना है, 5 दिन की दवाइयाँ थी वो ख़त्म हो चुकी थी, और यहाँ सबसे पहले भाई गर्मी से रात के लिए थोड़ा सा हो जाए जोश, ये लो जी पाइन एप्पल जूस पी लेते हैं, उसके बाद चलते हैं डॉक्टर के पास। संजय को फ़ोन करेंगे, अभी नाम दिखा रखा उन्होंने। तो भाई शॉपिंग आए थे मेरे लिए करने के लिए, और सबसे पहले अपने देखने लगे, देखो उधर से देख लो ना, उधर भी कलर अच्छे अच्छे हैं अगली तरफ। हाँ, तो काफ़ी दिनों बाद हम लोग यहाँ पर मार्ट में आए थे, और इन्हें टी शर्ट्स पसंद आ रही थी, मैंने कहा आप ले लीजिए ट्राई करके देख सके हैं, नहीं पता नहीं मुझे, तो मेरे से पूछ रहे, मैं भी तो आपके साथ ही हूँ। यहाँ बक्सा से कहाँ ट्राई के लिए तो बड़ा देख ठीक है, देखो तो चलो देखो। हाफ शर्ट खोज रहे थे मैं अपने लिए, खोजवा तो ये भी रही है पर मिले नहीं है अभी, मुझे लगता है नहीं, इनसे कुछ है क्या ऊपर चल गए पर ऊपर मिल जाए, पर मुझे लग रहा है जेंट्स का तो पूरा ही है, मेंस वियर तो नीचे ही है, ऊपर तो लेडी वियर किड्स वियर होंगे, हैं किड्स के भी तो लेने करता जोड़ा, क्या देखना अपने लिए देख लो बस। तो दो टी शर्ट देखे हैं भाई, दो मेरे लिए और फाइनल भी कर लिया है, ये होगी फाइनल, तो इन्हें यही रख दे ऊपर वाले फ्लोर पे चलना, साथ में लेके चलेंगे, साथ में लेके चलेंगे, ये फिर टांग देंगे ना। अच्छा विमेंस वियर और किड्स वियर, इसमें से आप जल्दी जल्दी देख लो ठीक है, जब तक डॉक्टर का टाइम भी हो जाएगा, अभी थोड़ा सा जल्दी चले आए थे भाई, तो चलो
एक आध चीज इसकी फरमाइश भी थी यहाँ से खरीदने की, खरीद लेते हैं। वी मार्ट से शॉपिंग करने के बाद में अभी पहुँच गए थे बॉम्बे सिल्क वालों के यहाँ पर, तो अभी इनकी शॉप खुल चुकी है। मैंने कहा मैं दो चक्कर लगा चुकी हूँ सुबह से, तो ये बोले थोड़ा सा लेट ही हम लोग खोलते हैं और लेट ही अपनी शॉप जो है बढ़ाते हैं। तो अंकल जी बहुत खुश हो जाते हैं, बोलते हैं आप तो छाए हुए हो। मैंने कहा सब कुछ आपका आशीर्वाद है। हंसी मजाक चल रही थी यहाँ पर, चल रहा है आत्ममंथन। कितने सारे पेज खुलवा लिए हैं और मैंने एक कलर पसंद करा लियो। इससे पहले मैंने इतनी सारी चॉइस नहीं करी, देखो आज तो मैंने बहुत सारे निकलवा दिए। तुम्हें भी पहले निकलवाया आज से चूज करने में बहुत टाइम लग रहा है। ये आ गया बड़ा साइज, ठीक है कलर भी डिसेंट सही है। तो वही शॉपिंग हमारी यहाँ से हो चुकी है बॉम्बे सिल्क से, और सुबह से हमने दो बार चक्कर लगाए, फिर हम कहीं और चले गए। हम जल्दी हैं, आप लेट हैं, आप लोग लेट हैं। तो यहाँ से अच्छे कपड़े निकले मेरे, तो इसलिए ट्रस्ट बन गया एक मुझे यहाँ पे। तो चलो जी अच्छी है, कस्टमर हो गए, हाँ परमानेंट ही हो गए सही में, पुराना छोड़ गए, यहाँ ना बदलाव। थैंक यू अंकल जी, बाय। शॉपिंग करनी थी वो हम लोगों ने कर लिया है, बस मुझे अपने लिए कपड़े लेने थे, इनके लिए दो टी शर्ट्स लेनी थी, और अभी हम खड़े हैं झांसी की रानी पर। संजय जी को फ़ोन कर दिया, इन्होंने जाना क्या? हाँ चलो। तो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं नर्सिंग होम, शेखर नर्सिंग होम, और यहाँ से लेंगे दवाइयाँ, एक बार और दिखा लेंगे। देखो गर्मी बहुत ज़्यादा है, लू में तप गए हम लोग। संजय जी हम लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं यहीं पर, आप तो इंतज़ार कर रहे होंगे। हम वहाँ इंतजार कर रहे हैं झांसी की रानी पे, बात समझ रहे हैं गलत नहीं हो गई, गलत फहमी है ना। हाँ आप सोच रहे पता नहीं क्या सोच रहे हैं ना, मैं बाइक लेके मैंने कहा जा रहा हूँ। सुबह शाम के दो बजे तो बंद आ रहा है, तो अगर मैं मिस करी तो दर्द शुरू हो जाएगा। दवाई से भी नहीं, दवाई से यहाँ से चल दिए हम वापस, दवाइयाँ ले लिया है। अब की बार 10 दिन की दवाइयाँ ली हमने, हेलमेट एक संजय जी का है और एक हमारा है। डॉक्टर साहब ने कह रहे थे यहाँ लो भी आपके जोर पड़ता है, छाँव में कर ले तो तप की पूरी, यहाँ को कर लो है पानी डाल लोगे कपड़े निकले होंगे। इंडियन लोग जो है वे कुछ भी जुगाड़बाजी ढूंढ लें, पानी भर लाए उनको चलो इसे ठंडी कर देंगे, इधर सूख जाएगी, 4 सेकेंड नहीं लगने के। तो जी यहाँ से भी चल दिए हैं, और ये मुजफ्फरनगर का सबसे बड़ा टावर है बिल्डिंग का। तो गुड्डू के पापा आ गए थे, फिर मैं इनके साथ ही बैठ गई थी संजय जी के, और इस टाइम पता चलता है गर्मी का, जो लोग बाहर निकले हुए हैं बस उनके जी से पूछ के देखिए क्या हाल होता है। और गाड़ी हम लोग इसलिए नहीं लेकर आते क्योंकि मार्केट के अंदर से आना होता है, बार बार का अगर रोड हो तो आ भी जाए तो फिर ट्रैफिक ज़्यादा मिलता है। बाइक ईजी होता है, बाइक पर आना वो कहीं से कहीं भी निकल सकती है, मार्केट में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो सब मार्केट के आसपास ही हैं, तो इसलिए तो मैं इनके साथ ही बैठ गई थी। अभी चलेंगे, संजय जी अपने ऑफिस पहुंचेंगे और फिर हम लोग जो हैं पहले कुछ थोड़ा सा खा पी लेते हैं क्योंकि भूख का भी टाइम हो जाएगा और हम घर के लिए निकल जाएंगे। पहली विजिट है यहाँ पे खाना खाने की, अब देखते हैं कैसा टेस्ट है यहाँ पर। तंबे के गिलास में पानी पीना, तंबा ओरिजिनल ही होगा, तभी तो टेढ़ा मिड्ढा हो रहा जाते। मैंने सबसे ज्यादा भूख लगी, देखो मेरा और आपके इंतजार भी नहीं करा, सबसे पहले खाना जरूर देखो, भूख का टाइम हो ही रहा है। ये आ गया हमारा खाना, मुझे थाली मिल रही है, स्पेशल थाली, स्पेशल थाली, फर्स्ट टाइम स्पेशल थाली। खाना हुआ है डन, अब चलते हैं। गर्मी तो बहुत है लेकिन जाना तो जरूर है, चले जाएंगे कोई बात नहीं, अब चाय की कोई गुंजाइश नहीं रही, इतना खा लिया अब तो। इन्हें सोच रहे कहा लुट्टू जाके
लुटी लुटी आवे मुझे कत्तो ही हत्ती सारो बड़ा मुश्किल काम हो इनकी साथ थोड़ी देर आराम कर लो जब चले जाइयो ना बस आराम जी मैं जगह हत्ती रमली ने फोन नहीं देने की अब तो कह रही अब बाजार बिल्कुल खाली मिल लगा तो गाइस यहां से लेंगे नेक्स्ट वाले टमाटरों के लिए पौध और ये देखो भाई बिजली अब तो देसी चल रहा है टमाटर चलो जो भी कुछ है वो ही दे दो क्या पता नहीं है कितने की कट्टी 10 रुपए पौधे कितने हैं 7-8 पेड़ है 7-8 पेड़ है कितने लेने हैं 4 गड्डी अच्छा बड़े बड़े सी दियो तो बड़े बड़े छोटे बड़े हो जाएंगे फिर ये अरे नाइक सारी है और बता दी मिर्च की नहीं मिर्च नहीं ये क्या वो बीसी है हाँ जी फूल गोभी है जी फूल गोभी के आगे कितनी बहुत ये तो एक दो फूल गोभी एक दे दो क्या रुपए की एक लेके दे दो और बैंगन जी बस बैंगन तो लेके दे हम ना के निकल लिए थे फिर मेरे पौधी आज आ गई वापसी आई उल्टे हटके चलो भाई ले लिए भी पहली बार ऐसा हुआ है 40 किलोमीटर का सफ़र तय करते हम आपस में बात नहीं कर रहे थे गर्मी बहुत ज़्यादा थी एक दूसरे के साथ बोलने का बिल्कुल भी मन नहीं था और ऐसा मन कर रहा था कितनी देर में और हम लोगों का घर आ जाएगा तो हमारे कस्बा बुढ़ाना में हम लोगों ने एंट्री कर लिया है तो गाइज हम लोग पहुँच चुके हैं और 4 बजे आ गए थे हम धूप इतनी ज़्यादा थी फिर कहीं रुकने का बीच मन नहीं करा मैंने कहा बाइक चलते जाओ हमने एक चश्मा ले लिया था रास्ते में एक ठेले वाले पता है हमको बहुत ज़्यादा हीट लग रही थी और बस पहुंच के ठीक ठाक अपने घर अब जब थोड़ा सा रेस्ट कर लिया ऐसा धड़कन तेज़ हो रही थी मेरी तो बहुत तेज़ हो रही थी ऐसा पी लिया होगा 1 लीटर पानी गर्मी भाई रास्ते में बस बुरा हाल हो गया बाइक पर तो जल गए बिल्कुल इतना तेज़ सूरज लग रहा था और लू लगे ना जब लम्पट से लगे बस काम खराब हो रहा था तो अब कुछ ठीक सा हो गया और शाम के 6 बज गए तो शॉपिंग तो कोई खास करी नहीं मैंने अपने लिए एक ड्रेस ली और 2 गुड्डू के पापा ने अपने लिए टी शर्ट ली वे मॉल में से लाई वी मार्ट में से और मैंने सरदार जी के यहाँ से जहाँ से मैं पहले कई बार कई सारी ड्रेस ला चुकी हूँ काफ़ी अच्छी निकलती है और डॉक्टर के साथ दवाई ले ली 10 दिन की तो 10 दिन तक भी दवाइयाँ खा कर और देखते हैं डॉक्टर साहब ने बोला कि एक्सरसाइज करते रहो ठीक हो जाओगे वॉक करा करो सुबह शाम की मैंने सुबह को तो होती नहीं पर शाम को तो मैं करी लूँ जा तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस व्लॉग को कर देते हैं यहीं पर समाप्त और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ व्लॉग पसंद आए लाइक करें चैनल पर न तो सब्सक्राइब करें बस यही थी आज की हमारी दिनचर्या सुबह मेरा मूड खराब था जब घर में किसी बात को लेकर क्लेश हो जाना जैसे हम सुबह उठे नीचे बहस चल रही हो उठती सारो देखे तो बस ऐसा ही मन हो जाए फिर व्लॉग बनाने का मन नहीं करता घर में बिल्कुल भी आज मैंने सुबह नीचे कोई भी व्लॉग नहीं बनाया कोई भी नहीं बनाया पता ही नहीं इतना सब कुछ करते करते भी इंसान पता नहीं क्या चाहे क्या नहीं पता ही नहीं चलता चलो जी बाय बाय तो गाइस जो हम टमाटर और गोभी के पौधे लेके आए थे उन्हें भी अभी लगाना है मतलब घर के काम करने में थकान नहीं होती और सबसे ज़्यादा टाइम लगता है डॉक्टर के यहाँ पे ना शॉपिंग में टाइम लगाते हम ना कहीं वहाँ पे ना नाम लिखवाने के बावजूद भी पहले तो मतलब इंतजार करना पड़े इंतजार इतना करना पड़े कि आलस आना शुरू हो जाए 2 बजे नंबर आया था मेरा फिर भी